हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। नमस्कार। आज आक्रोश, मैं हूं आपके साथ आलोक। दरअसल ये आक्रोश यूं ही नहीं है, चीन के खिलाफ पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं, जन सैलाब सड़कों पर उतर आया। इसीलिए हमने इस खास पेशकश का नाम दरअसल आक्रोश ही रखा है। और इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि भारत के आक्रोश के सामने चीन कैसे घिरता जा रहा है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। सोमवार की रात गलवान में हुई घटना के बाद देश भर में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। चीनी सामानों पर उनका गुस्सा जमकर फूट रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए पहले। चीन की तरफ से लगातार की गई शातिराना कायराना हरकतों के बाद उसका विरोध तेज हो गया है। चीनी सामानों के बहिष्कार और ऐप अनइंस्टॉल करने की मुहिम तो पहले से चलती रही है, लेकिन सोमवार की रात गलवान में हुई घटना के बाद देश भर में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। चीनी सामानों पर उनका गुस्सा जमकर फूट रहा है। चीन के विरोध की आग दिल्ली NCR में भी फैली हुई है। राजधानी दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा सूरत में भी देखने को मिला। साथ ही चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की है। वराचा क्षेत्र में लोगों ने चीनी राष्ट्रपति के पोस्टर जलाए। व्यापारी वर्ग भी इस प्रदर्शन में साथ दे रहा है। पश्चिमी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर जम्मू शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों तक लोगों में भयंकर गुस्सा देखा गया। चीन और भारत के बीच जो परसों युद्ध हुआ, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, वीर सैनिक शहीद हुए, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं यहाँ के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चीन हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो अपना सामान भेज रहा है, मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि उसका सामान कोई भी न खरीदे। और जो विशेषकर दुकानदारों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो सामान अपनी दुकान में उसका न लगाए, उससे नुकसान होगा। और वो हमारे जो सेना में शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि। शहर में पूरे दिन चीन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन होते रहे। कहीं लोगों ने सड़क पर टायर जलाए तो कहीं चीन का पुतला जलाकर रोष जताया। चीन के हिमाकत के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की और कई जगहों पर चीनी सामान को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चीनी निर्मित सामान का बहिष्कार करने की शपथ ली है। पूरा देश चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और देश में जगह जगह चीन का पुतला फूका जा रहा है, चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। और इसी क्रम में उत्तराखंड के बेरीनाग में भी चीन के खिलाफ लोगों में खासा गुस्सा देखा गया। उत्तराखंड के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बुलंदशहर में भी सपाइयों द्वारा चीन के राष्ट्रपति शी
पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय से लेकर तहसीलों तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए शी जिनपिंग के पुतले को आग लगा दी। इसी क्रम में फरुखाबाद में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चीन का विरोध किया और सड़क पर उतर आए। तानाशाह जिनपिंग राष्ट्रपति चाइना का पुतला जलाया और केंद्र सरकार से मांग करते हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक के बदले 10 सर लेकर आऊंगा। आज हमारे 20 जवान शहीद हो गए, आज 10 सर वो लेके आए तो 200 से ज्यादा सर बनते हैं। आखिर केंद्र सरकार की चुप्पी क्यों है? आज पूरा देश ये जानना चाहता है केंद्र सरकार से आपकी विदेश नीति क्या है। आज जनता चाहती है कि चाइना के सामग्री का बहिष्कार हो। आज जनता चाहती है कि चाइना को जितने टेंडर दिए गए हैं उसका बहिष्कार हो। और हम जनता से अपील करते हैं कि चाइना का पूर्ण रूप से बायकॉट हो और केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो जिस तरह से झूठ बोलकर लोगों से वोट हासिल करती है उस तरीके से एक नागरिक पूरे हिंदुस्तान का सरहद पर जरूरत पड़ी तो लड़ने को तैयार है और अपने जवानों की शहादत का बदला लेगा। क्षेत्र के चौक बारजा और कादरी गेट तिराहे पर कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। साथ ही चाइनीज सामान को इकट्ठा किया और उसमें तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चाइनीज सामानों के बहिष्कार की अपील की है। हापुड़ में ग्रामीणों ने चाइनीज सामान के विरोध में एक पहल की है। ग्रामीणों ने गांव में पोस्टर लगाकर लोगों से चाइनीज सामान नहीं खरीदने की अपील की है। ये चाइनीज जो सामान बिक रहा है इसके प्रतिबंध हेतु हम गांव वालों को समझा रहे हैं कि चाइनीज सामान न ले जाए, ताकि उसे हमारा जो आर्थिक मदद हमारे सामान खरीदने से उसे लाभ पहुँचता है चीन देश को, वो ना पहुँचे और अपना स्वयं हो। चाइनीज की नीति आप सभी जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि वो दूरी नीति अपना रहा है। कभी तो समझौता करता है फिर पीछे से वार करता है। अभी कल परसों ने अटैक कर दिया है, वो तो हमारे जाबाज सिपाही ऐसे हैं कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। और हम इतना गर्व है हमें देश पर कि चीन आ जाओ या अमरीका आ जाओ, हम अपने देश की हानि नहीं पहुँचा रहे हैं। अपना देश आन शान पर मन लिखने वाले हमारे जवान किसान सब भाई एकजुट हैं, हम देश के साथ हैं। ग्रामीणों ने जगह जगह चाइनीज सामान नहीं खरीदने की शपथ ली थी। ग्रामीणों में चीन की तरफ से भारत पर किए गए हमले को लेकर काफी आक्रोश है। फिलहाल चीन के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है, हर कोई चीनी सामान के बहिष्कार की मांग कर रहा है। ये जो चाइनीज के सामान है ये खतरनाक सामान है, और जिससे कि मैंने अपने पूरे गाँव में पोस्टर लगाए हैं, लोगों से अपील करी है कि चाइना का सामान कोई भी व्यक्ति ना खरीदे। और कल की जो घटना हुई है इससे एक सबक लेते हुए अपने ग्राम पंचायत और क्षेत्र में चाइना के सामान पर पूर्ण रूप से बिक्री पर रोक लगाएंगे। क्या और कोई सामान खरीदोगे भी? कोई सामान चाइनीज का नहीं खरीदेंगे। आज से लोगों को शपथ ग्रहण करा रहे हैं।